पंजाब दे प्रॉपर्टी डीलरां अते कलोनाइजरां ने कीता बड़ा ऐलान, कहा कि एक हफ्ते विच पंजाब सरकार ने उन्हां दे लई ना लिया फैसला तां तहसील दफ्तर दे बाहर देवांगे अनमिथे समय लई धरना। खबर लुधियाणा तो सामने आ रही है, जिथे लुधियाणा दे फिरोजपुर रोड स्थित कलोनाइजरां दे वल्लों पत्रकारां नाल गल्लबात करदे होए कहा कि पंजाब भर विचों आए प्रॉपर्टी डीलर एसोसीएशन अते कलोनाइजरां ने हिस्सा लिया है। उन्होंने मौजूदा सरकार खिलाफ रोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जेकर पंजाब सरकार ने कोई फैसला ना लिया तो संघर्ष होर भी तिखा किया जाएगा। उधरों इस संबंधी गलबात करते हुए कलोनाइजर एसोसीएशन के प्रधान गुरिंदर सिंह लांबा और हरकिंदर अजानी ने कहा कि जेकर सरकार ने कोई फैसला ना लिया तो वह बड़े लेवल पर संघर्ष करेंगे। उन्हें कहा कि उन बिना एनओसी तो रजिस्ट्री ना करने दे सरकार दे आदेश दी ओह निंदिया करते हैं। जिन्हों को अपने 500 गज के प्लाट की रजिस्ट्री अते एनओसी है, उसने अगर दो हिस्सों विच प्लाट बेचना है तो उसके उत्ते भी पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन उसके लिए एनओसी लाजमी कर दिती है। वह सरकार नू बड़े पद्धर दे रेवन्यू देंदे ने। जेकर अजिहा होया तो पंजाब दे कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्हें यह भी कहा जेकर सरकार ने एक हफ्ते दे विच कोई फैसला ना लिया तो वह तहसील दफ्तर के बाहर पक्के धरने लाभ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने होर की कहा, आओ वेखदे आं। असीं पंजाब कोलोनाइजर एसोसीएशन ने अज अपने पंजाब के सारे जिलों के यूनिट बना के सारे प्रॉपर्टी डीलर और अर्जी नवीसा नूं नाल लैके ये प्रोग्राम दिता सारे पंजाब नूं कि अगला हफ्ते तक एक हफ्ते का टाइम सरकार नूं देता कि सरकार साढ़े नाल बैठे और कौन बैठे भी दसदा। मुख्यमंत्री साहब बेनती है तुहानूं हाथ जोड़ के सारे मेरे भरावां वल्लों, तुहाडे किसे बंदे कोलों कोई गल मसला हल नहीं होना, नाल जिन्हों मर्जी बा लिओ पर तुहाडे बगैर असी किसे नाल मीटिंग नहीं करनी। एक नोट कर लो, असी मुख्यमंत्री तो अलावा किसे नाल मीटिंग नहीं करनी। और वो हफ्ते तक जे तुसी सानू ना बुलाया, तुसी सानू एजिटेशन लई मजबूर कीता, तुसी चाहुंदे हो काम ना करिए, लो तुहाडी गल ते फुल चढ़ाता। अगले सोमवार तो सारे काम सस्पेंड होणगे, कोई रजिस्ट्री नहीं होएगी, कोई काम नहीं होएगा, किसी नूं रजिस्ट्री कर नहीं देंगे। असी अपने सारे समाज का जो कोई साढ़े तो बाहर होएगा सोशल बाइकाट करांगे, उन्हूं लानता पावांगे जिहड़ा साढ़े तो बाहर होएगा। मुख मंगा की है जी तुहाडी? मुख मंगा साडियां तुहानूं असी मंग पत्र दे दिता जिहदे विच कलैक्टरेटां दे इशू ने, एनओसी दे नां ते जिहड़ियां रजिस्ट्रियां नहीं हुंदियां, जिहड़ियां गलत नोटिफिकेशन आ गईयां, जिहड़ा कि तुसी प्रॉपर एक्ट बना रखा है उहदे विच रोज़ नोटिफिकेशन कर करके कोई कलोनी पास नहीं हुंदी, पास हो जाए तो अगे नहीं बढ़ती, अगे होते तो कंपलीशन नहीं मिलता। एक कोलोनाइजर दे जे कोई एक लसेंस लै लैंदा ते सारी जिंदगी वह उस लसेंस तो खेड़ा नहीं छुड़ता, होर कोई व्यापार करन योग नहीं रहिंदा। साडियां जिहड़ियां पिछलियां पॉलिसियां च अपलाई कीतियां कलोनियां कैंसल करके तुसी परचे दर्ज करने शुरू करते, साडियां कलोनियां ढाणियां शुरू करतियां, साडा व्यापार बर्बाद करता। आ शहरां दे विच जिन्नियां बिल्डिंगां बणियां ने ओटीएस पॉलिसी आंदी आंदी रह गई, उहदी कोई ओटीएस पॉलिसी नहीं दिंदे। असी ब्लैकमेलरां दे हत्थों, असी अफसरां दे हत्थों, असी तुहाडे हत्थों, असी लुट्टी जाणा लुटी जाणा, ये हुण नहीं चलना। सर पंजाब सरकार कह रही है कि असी बहुत जल्द एक नवी पॉलिसी लैके आ रहे हैं फिर एजिटेशन की कैंसल हुई, फिर नवा कानून बनाया। 2018 च सिद्धू ले आया पुठी पॉलिसी, फिर एजिटेशन हुई, फिर नवा कानून आया। जे तुसी जदों तक सानू विच भा के ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਕਿਉਂ, ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਆਣਾ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਈਏ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਈਏ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਡੀਸੀ ਕੋਈ ਸੀਐਲਯੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਦਾ, 100 ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੋ ਜੀ, 62% ਵੇਸਟੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਦੀ 65% ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ,
जब पापड़ा एक्ट के क्लीयर लिखा जो एक्ट बनया कि 35% एरिया ओपन स्पेसिस हो 65% सेलेबल हो सकता है। अज किसी ने 25 एकड़ की कलोनी लैनी 45% तो उपर सेलेबल नहीं मिलता। जे सेलेबल नहीं मिलता वह इंपैक्ट की पैंता है, वह रेट महंगा हो जाता है, फीसा का लोड पै जाता वह रेट महंगा हो जाता है। फिर भरावो जे जमीन असी खरीदनी है, खरीद के असी साडा प्रोडक्ट है जमीन, रॉ प्रोडक्ट की है जमीन, असी खरीदी उसते टैक्स भरिया, स्टैंप ड्यूटी CLU चार्जिज नजायज साढ़े लाते, चलो वह भी भरते, लाइसेंसिंग फीस भी भरती। जिहड़ा तुसी EDC दे नां दा एडा काला टैक्स बना रखिया है, जिहड़ी चीज़ हाले बनी नहीं, जिहड़ी चीज़ हाले विकी नहीं, किहड़ा बिजनेस है जिहदे विच कोई व्यापार दे विच कोई प्रोडक्ट बनन तो पहले ही टैक्स लग जांदा है। एक कोलोनाइजर 10 किले की कलोनी कटदा, अज 2.5-3 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ का, 20 करोड़ का करजाई हो जाता सरकार का, यह किहड़ा कानून है? तुहाडा वह फिर पैसे नहीं भरदा, फिर आप कहने लो जी इन्हां दी रजिस्ट्रियां खोलतियां। ये जिहड़ी मिसमैनेजमेंट हो ही पई है, तुसीं कहिंदे हो असीं उत्थों ज्ञान लैणा, असीं जाणा जी उत्थे जापान तों पुछ के आवांगे सानूं पैसे दिओ, असीं फलानी जगह जाणा। वो जिहड़े पीड़ित लोग ने जिन्हां ने तुहानूं पावर दित्ती है इन्हां नाल तां बहि लो, इन्हां दे कड़ा उल्ली लगी है, इन्हां तों कड़ा मुश्क आउंदा वी बहि नहीं हुंदा, कोई नहीं तुसीं AC च बहि जाओ, सानूं पक्खे च पा लिओ, साडे नाल गल करो। अगली रणनीति मैं तुहानूं सारिआं नूं पहलां दस सकिआ, हुण वी दसदा, एक हफ्ता असी वेट करांगे सरकार दी, उस तो बाद असी सारिया तहसीलां मूहरे दरियां डा के बैठांगे, किसानां वांगू लंगर ला के बैठांगे, असी उत्थों उठना नहीं जो तक सानू बुलाउंदे नहीं, और ना असी रजिस्ट्री करनी है ना किसी नूं करन देनी। ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ, A to Z, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਤੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼। ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 300% ਜਾਂ 500% ਵਧਾ ਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੱਬਾ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਧਰਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ NOC ਲੈ ਲਈਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ NOC ਦਿੰਦੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ NOC ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ NOC ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ NOC ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ NOC ਲੈ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ NOC ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ?
मैं कह रहा जिन्हें एन ओ सी लै ली उन्हें रजिस्ट्री भी करा ली पैसे देते गवर्नमेंट नूं उहदा नक्शा पास नहीं करते देख रहे हो यही हाल है लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सर्वाइकल माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियों का इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज मोटापे तो परेशान होण दी जरूरत नहीं वजन घटाओ ते खुश हो जाओ फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक फ्री रिलीफ पावर कब्ज़ तो परेशान होण दी हुण जरूरत नहीं है कब्ज़ तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087 नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087